हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की लोकप्रिय कवित्री महादेवी वर्मा जी के बारे में। महादेवी जी का जन्म 26 मार्च 1907 को फारुखाबाद, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध में हुआ। प्रतिभावान कवित्री होने के साथ साथ वह कुशल चित्रकार भी थी। भारत के साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम ध्रुव तारे के समान जगमगाता है। महादेवी वर्मा जी को सुमित्रा नंदन पंत और निराला बहन मानते थे और जीवन पर्यंत उनसे राखी बंधवाते रहे। महादेवी जी की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई और बाद में उन्होंने 1919 में क्रॉसवेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया। वह 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने महान काव्य खूब लड़ी मर्दानी लिखा, उनकी कॉलेज में महादेवी जी के साथ बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी जी का हाथ पकड़कर सखियों के बीच ले जाती और कहती, सुनो ये भी कविता लिखती है। महादेवी वर्मा जी को सरकार द्वारा 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हर भारतीय उनके काव्य व लेखन के लिए उनका आभारी है। धन्यवाद।